हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 13 की, जो कि 4 अगस्त के लिए जारी किया गया कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे विलियन के बारे में। तो बच्चों विलियन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो विलियन दो भागों से मिलकर के बंधा होता है, यानी विलय और विलियक। बच्चों चलिए बच्चों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों से बने हुए सामग्री मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। और विलयन का उदाहरण क्या कह सकते हैं, जैसे चीनी का घोल, टिंचर, आयोडीन, विद्युत पेय, पीतल इत्यादि। तो विलयन के दो भाग होते हैं, विलय और विलयक। विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। जैसे कि ORS को देखें तो ORS में विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी को और नमक को घोला जाता है। क्योंकि हम पानी में से कम मात्रा में चीनी और नमक को मिलाते हैं, इसलिए हम इसे पानी को विलयक और चीनी और नमक को विलय कहेंगे। बच्चों अब बात आती है विलयन की। तो विलयन आमतौर पर एक तरल पदार्थ होता है के रूप में समझा जाता है, जिसमें ठोस, द्रव्य या गैस घुले हों। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन जैसे कि मिश्र धातु, मिट्टी, गैसीय विलयन आदि भी मिलते हैं। बच्चों अब बात होती है विलयन के गुणों की। तो विलयन के गुण कैसे होते हैं, एक सामांगी एवं स्थायी मिश्रण होता है जिसके कणों का आकार 1 nm से छोटा होता है और इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है बच्चों, छोटे आकार होने के कारण जब प्रकाश की किरणें इनसे गुजरती हैं तो ये फैलता नहीं है और ये प्रकाश मार्ग में दिखाई भी नहीं देता है। और ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें छंद विधि से अलग भी नहीं किया जा सकता है। बच्चों तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो विलयन क्या है, आमतौर पर ये केवल एक तरल पदार्थ के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है, लेकिन ये ठोस, द्रव्य, गैस में घुले हुए कुछ प्राकृतिक विलयन के रूप में, जली विलयन के रूप में भी हो सकता है या ठोस विलयन के रूप में भी हो सकता है जैसे कि मिश्र धातु, और गैसीय विलयन के रूप में भी हो सकता है जैसे कि वायु। ठीक है बच्चों, फिर है विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। विलय और विलायक क्या है, एक ऐसे घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। विलयन की और विलायक कैसे है, ये घटक हैं जिसमें विलयन की मात्रा क्या होती है, विलय से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। जैसे हवा है तो उसमें हवा में दोनों में विलय और विलायक दोनों के दोनों सेम है। बच्चों ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम हैं। फिर है दूध एवं पानी, तो इसमें क्या है बच्चों, एक में द्रव्य है, दूसरे में गैस है। तीसरा है पेप्सी, बच्चों पेप्सी में एक तरफ द्रव्य है, दूसरी तरफ गैस है। बच्चों फिर है आर्द्र हवा, आर्द्र हवा में भी गैस और द्रव्य है। बच्चों समुद्री जल, समुद्री जल में क्या मिलेगा बच्चों, द्रव्य और ठोस मिलेगा, नमक ठोस के रूप में गिना जाएगा। और हवा में प्रदूषक कैसा होगा बच्चों, गैस और ठोस के तौर पे। अब है विलयन के गुणधर्म लिखो। तो विलयन के गुणधर्म क्या है, ये बच्चों विलयन के गुणधर्म है इसकी, ये सामांगी होता है, स्थायी मिश्रण होता है, 1 nm से छोटे कण होते हैं, केवल आंखों से नहीं देखे जा सकते। प्रकाश की रोशनी या किरण भेजने पर ये फैलते नहीं हैं और छोटा आकार होने के कारण ये छनन विधि द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता है। फिर जलीय विलयन का क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। तो जलीय विलयन क्या है बच्चों, जैसे कि पानी और चीनी का घोल या पानी और नमक का घोल। बच्चों ये क्या है, जलीय विलयन है, यानी कि जिसमें विलय और विलायक दोनों के दोनों एक जैसे हों लगभग। तो बच्चों ये होगी आपकी कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।